व्हाट्स अप गाइस, दिस इज संदीप कुमार। फ्रेंड्स, जब हम जिम स्टार्ट करते हैं तो बहुत से क्वेश्चन हमारे माइंड में होते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, या हमारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। और एक क्वेश्चन, मोस्टली एक क्वेश्चन सबके माइंड में होता है, वो होता है कि जब हम वर्कआउट करते हैं जिम में तो क्या हमें पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। और बहुत से जिम ट्रेनर को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता गाइस, और इसलिए वो ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं कि आपको पानी पीना है या नहीं पीना, और अगर पीना है तो कितना पीना है। सो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे गाइज, कि आप ड्यूरिंग वर्कआउट आप पानी पी सकते हो या नहीं पी सकते हो। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन उस पर क्लिक करना ना भूले। इसका फायदा आपको ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो गाइज होता क्या है, मोस्टली जब हम जिम में जाते हैं, देखते हैं बहुत से लोग एक साथ बहुत सा पानी पी लेते हैं वर्कआउट के टाइम पे, जैसे एक ग्लास पी लिया, डेढ़ ग्लास पी लिया। बट हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट हो सकता है हमारी बॉडी पे। क्योंकि जब हम वार्म अप करते हैं शुरुआत में, तो वार्म अप के बाद हमारी बॉडी एकदम से गर्म हो जाती है, फिर एक्सरसाइज करते हैं और ज़्यादा हीट हमारी बॉडी के अंदर पैदा हो जाती है। ऊपर से अगर एकदम से हम हमारा ठंडा पानी लेते हैं तो हमारा टेम्परेचर एकदम डाउन चला जाता है, उसका साइड इफेक्ट हो सकता है हमारी बॉडी को। एकदम से जो हीट बनी हुई है और एकदम से हम ठंडा पानी पी रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर एकदम से लो चला जाता है। और दूसरा उसका ये होता है कि जो हमारे मसल एक्टिव हुए हैं वो एकदम से अनएक्टिव होना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी एनर्जी है जो वो वेस्ट हो जाती है। सो गाइस, एक बात का ध्यान रखना है आपको, जब आपको जिम में जाना, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पीना। पानी जरूर पीना है, बट उसको लेना कैसे गाइस, कि थोड़ा थोड़ा करके कई बार में आपको पानी पीना। जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, एक दो एक्सरसाइज करने के बाद, एक दो सेट लगाते हो, उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी पी लेना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। दूसरी बात है गाइस, जब आपका किसी का ये होता है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा होता है, या फिर जो बॉडी बिल्डर अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी के टाइम में उनको जब लास्ट का जो साइकिल चलता है उनका, कटिंग पीरियड जिसको हम बोलते हैं, कटिंग पीरियड के टाइम में हमें जो फैट होता है वो काटना होता है। तो उस टाइम आपको करना क्या है, अगर आप होश के तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको गर्म पानी लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना। गर्म पानी से जो आपका फैट है वो जल्दी कटेगा गाइस, और आपकी जो हीट है बॉडी की वो बनी रहेगी। अगर जैसे आपने एक्सरसाइज किया, आपकी बॉडी ज़्यादा वार्म हो गई या हीट अंदर पैदा हो गई है, और एकदम से आप कोल्ड वाटर लेते हो तो आपका टेम्परेचर लो चला जाता है, उसका बहुत साइड इफेक्ट हो सकता है आपकी बॉडी में। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, पानी पियो, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा करके कई बार में आपको पानी ज़्यादा लेना है। मोस्टली बहुत से लोग ये गलती करते हैं, और बहुत से जिम ट्रेनर को भी इसके बारे में पता नहीं होता है गाइज, बट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट अगर आप इसकी तरफ गौर नहीं करोगे तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जो लोग अपना वेट कम कर रहे हैं या फिर अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप की, तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो आपको गर्म पानी ही पीना है, जिससे आपकी बॉडी की जो हीट है वो बनी रहे और आपका टेम्परेचर एकदम से डाउन ना आए। साथ ही आपके मसल जो एक्टिव हुए थे एक्सरसाइज करने के बाद, एकदम से अगर आप ठंडा पानी पीते हो तो वो जो एनर्जी होती है, जो पावर बनी हुई होती है बॉडी के अंदर, वो एकदम से डाउन चली जाती है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है गाइज। तो मैं आपको एक सजेशन और देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी जिम में जाए तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जिस भी जिम में आप जा रहे हो उसका ट्रेनर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका ट्रेनर अच्छा नहीं है तो आपको आपकी बॉडी में कोई भी इंजरी या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है गाइस। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका ट्रेनर अच्छा होना चाहिए, और जो चीज़ आप खा रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, उसके बारे में आपको उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूले, साथ में मेरा चैनल जो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।